नूर जुल्मात में नहीं रहता, नूर जुल्मात में नहीं रहता। दिन कभी रात में नहीं रहता, नूर जुल्मात में नहीं रहता। दिन कभी रात में नहीं रहता, इश्क करने में दोस्तों इश्क करने में एक खराबी है, इश्क करने में एक खराबी है कि हुस्न औकात में नहीं रहता, हुस्न औकात में नहीं रहता। तहजीब हाफी कहते हैं बता ए अब्र मसावात क्यों नहीं करता। क्या बात, आज के दौर के मेरे पसंदीदा शायर, बता ए अब्र मसावात क्यों नहीं करता, हमारे गांव में बरसात क्यों नहीं करता। वाह वाह, बता ए अब्र मसावात क्यों नहीं करता, हमारे गांव में बरसात क्यों नहीं करता। और मुआज़े इश्क से कब कौन बच के निकला है, अरे तू बच गया है तो खैरात क्यों नहीं करता। बच गया है तो खैरात तू नहीं करता। अमित भाई, ऐसी गजल की उम्मीद रखते हैं लोग मुझसे, बहुत जल्दी जल्दी में तैयारी की है, ये भी तहजीब हाफी है। बेटा बैठ जाओ जरा। पराई आग में मजा, ये भी तहजीब हाफी है। देखिए शेर देखिएगा, पराई आग में रोटी नहीं बनाऊंगा, पराई आग में रोटी नहीं बनाऊंगा, मैं भीग जाऊंगा छतरी नहीं बनाऊंगा। क्या शायरी की है, पराई आग में रोटी नहीं बनाऊंगा, मैं भीग जाऊंगा छतरी नहीं बनाऊंगा। मैं दुश्मनों से अगर जंग जीत भी जाऊं तो उनकी औरतें कैदी नहीं बनाऊंगा, फरेब दे के तेरा जिस्म जीत लूंगा, मगर मैं पेड़ काट के कश्ती नहीं बनाऊंगा, बनाऊंगा। अमित भाई, मुसीबत में तबीयत पड़ गई है, मुसीबत में तबीयत पड़ गई है, वफादारी की आदत पड़ गई है, मुसीबत में तबीयत
पड़ गई है और वफादारी की आदत पड़ गई है, कोई तावीज दो रखते बला की, मेरे पीछे मोहब्बत पड़ गई है, मेरे पीछे मोहब्बत पड़ गई है। हमीद भाई को अपना जमाना याद आ गया, कोई तावीज दो रखते मेरे पीछे मोहब्बत पड़ गई है। नौजवान बड़े खुश हैं, हम ही हम दिल पे छा गए थे क्या, हम ही हम दिल पे छा गए थे क्या, तुमको हम इतने भा गए थे क्या, हम ही हम दिल पे छा गए थे क्या, तुमको हम इतने भा गए थे क्या, क्यों अचानक से कट किया ये फोन, सामने अब्बू आ गए थे क्या, सामने अब्बू आ गए थे क्या। शादी भोपाली का ये मतला है। असलम भाई इतने अच्छे शेर हुए हैं, एक अहले सुखन हमारे असलम भाई बैठे हैं, इंशाल्लाह सुनते जाइए, बहुत अच्छी, अगर आपने मूड बनाया तो बहुत अच्छी गजल लेकर आया हूं, कंपोज भी पहली बार सुना रहा हूं। हमीद भाई आपकी आंखें अगर शेर सुनाने लग जाएं, आपकी आंखें गौर फरमाएं, अगर शेर सुनाने लग जाएं, हम जो गजलें लिए फिरते हैं ठिकाने लग जाए। वाह, क्योंकि इतना रोया हूं कि आंखें निचोड़ दी मैंने, इतना रोया हूं कि आंखें निचोड़ दी मैंने, और उदास रहने की आदत ही छोड़ दी मैंने, उदास रहने की आदत ही छोड़ दी। इस महफिल में मेरे एक दोस्त थे जो मेरी हर महफिल में बड़े प्यार से तशरीफ लाते हैं, कसम खुदा की उनकी बड़ी कमी महसूस हो रही है, जनाब रियाज दाऊद संगे मरहूम, आप उनके हक में दुआ करें कि अल्लाह उन्हें जन्नत में फिरदौस में जगह नसीब फरमाए, और तमाम मरहूमीन के लिए दुआ फरमाएं। एक शेर याद आया कि खत के छोटे से, वाह ये है खालिद नदीम सानी, क्या शेर कहा है, खत के छोटे से तराशे में नहीं आ, खत के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे, गम ज्यादा है लिफाफे में नहीं आएंगे। सब नए शेर पढ़ रहा हूं, खत के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे, गम ज्यादा है लिफाफे में नहीं आएंगे, जिस तरह आपने बीमार से रुखसत दी है, जिस तरह आपने बीमार से रुखसत दी है, साफ लगता है जनाजे में नहीं आएंगे, साफ लगता है जनाजे में नहीं आएंगे।
मार से रुखसत ली है, साफ लगता है जनाजे में नहीं आएंगे। मतलब है सादी गोपाली का, चार पांच शेर पढ़ रहा हूं, फिर उसके बाद एक बहुत रंगीन गजल आपके लिए। दर्दे दर्दे जिगर को बर्बाद हमने तेरी शय पर पाप देखे थे, सजा यह है कि नींदें छिन गई दोनों की आंखों से, और खता यह है कि हम दोनों ने मिलकर ख्वाब देखे थे। दबाना पड़ता है सीने में, तूफान दबाना पड़ता है, आंखों को अनजान बनाना पड़ता है। उनका क्या है निकल पड़े हैं बेपर्दा, हमको तो ईमान बचाना सर से मैं मतले पर तवज्जो चाहूं। हमारे मेमू सर से मैं बतौर खास तवज्जो, तुम्हें बस ये बताना चाहता हूं, तुम्हें बस ये बताना चाहता हूं, और मैं तुमसे क्या छुपाना चाहता हूँ, क्या छुपाना चाहता हूँ, मुझे तुमसे बिछड़ना ही पड़ेगा,
मैं तुमको याद आना चाहता हूँ। आज इंशाल्लाह अगर आपने मूड बनाया तो बहुत हसीन गजलें सुना दूंगा मैं, बहुत अच्छी गजलें लेकर आया हूं कसम खुदा की। दर्दे जिगर को, दर्दे जिगर को बढ़ाया को और बढ़ाया न जाएगा, दर्द जिगर को बढ़ाया न जाएगा। इस दिल से तेरा नाम मिटाया के लिए पढ़ रहा हूं। मेरी रगों में खून है, खुददार बाप का करने को दर्शन आते जाते हैं, मेरे इखलाक का करने को दर्शन आते जाते हैं। मेरा किरदार ऐसा है कि दुश्मन आते जाते हैं और तुम्हारे शहर में इंसान से इंसान नहीं मिलता, हमारे गांव आओ घर में बर्तन आते जाते हैं। Thank you.
जहां पर मेरा प्रोग्राम है 9/10/2022 9/1/2022 1 जनवरी को इसी मकाम पर माजरोना में मेरा प्रोग्राम सोलो प्रोग्राम रखा गया है। मैं बड़ा उनका शुक्रगुजार हूँ। आप सबसे गुजारिश है कि शादी में तशरीफ लाएं। और पोएट वालों की खास फरमाइश थी कि मुराद भाई अपने बहुत सी गजलें परदेश के लिए गाई हैं, मगर आज के लिए एक अछूती गजल लेकर आया हूं परदेश की। इंशाल्लाह थोड़ा सब्र करें, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। खास तौर से माजरन के लिए शेर का है। मैं भी बगैर उनके, मैं भी बगैर उनके रहूंगा न चैन से, मैं भी बगैर उनके रहूंगा न चैन से, मैं भी बगैर उनके रहूंगा न चैन से। और उनसे भी मेरी कब्र पे आया न जाए, सर से तन मुझे मंजूर है मगर दुश्मन के आगे सर को मुकाया न जाए। दुश्मन के आगे सर को मुकाया न जाए।
मधुर भाई थोड़ा सा बेटा मेन भाई बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, मुझे बहुत मजा आ रहा है। दोबारा पढ़ने की फरमाइश है लेकिन चार मिसरे मुझे याद आए हमीद भाई। मैंने मजबूरी में तलवार उठाई थी मियां, मैंने मजबूरी में तलवार उठाई थी मियां, क्योंकि हाथ बढ़ता हुआ दस्तार तलक आ गया था। मैंने मजबूरी में तलवार उठाई थी मियां, हाथ बढ़ता हुआ दस्तार तलक आ गया था, और मैं जो खामोश खड़ा रहता तो इज्जत जाती, मैं जो खामोश खड़ा रहता तो इज्जत जाती, क्योंकि मेरा दुश्मन मेरे किरदार तलक आ गया था। मजबूरी में तलवार उठाई थी मियां, मैंने मजबूरी में तलवार उठाई थी मियां, क्योंकि हाथ बढ़ता हुआ दस्तार तलक आ गया था, और मैं जो खामोश खड़ा रहता तो इज्जत जाती, मेरा दुश्मन मेरे किरदार तलक आ गया था। शेर मैं नौजवानों के लिए देना चाहता हूं, क्योंकि कोकण में मुझे आशिकाना के नाम से जाना जाता है, तो मुझे चाहूंगा। तू कह रही है तेरी मोहब्बत को भुला दूं, मुझसे आ मुझसे तो तेरा खत भी जलाया न जाएगा, मुझसे तो तेरा खत भी शायर समद रजा। देखिए क्या कहते हैं, ख्याल देखिएगा। होने को हो ही जाएगा, होने को हो ही जाएगा, हर जख्म का इलाज होने को हो ही जाएगा, हर जख्म का इलाज इलाज। लेकिन जो जख्म दिल पे है वो, जो जख्म दिल पे है वो दिखाया न जाए, जी।
शुक्रिया आपने मेरी टूटी फूटी गजल को पसंद किया। नौजवानों से तवज्जो, तुम चाहो तो मिटा दो हथेली से मेरा नाम। अयूब भाई, तुम चाहो तो मिटा दो हथेली से मेरा नाम, तुम चाहो तो मिटा दो हथेली से मेरा नाम, लेकिन 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 किताबे दिल से मिटाया न जाए। जहाँ को आफात ना आफात को जहाँ छोड़ती है, जहाँ को आफात ये है अली कायम नकवी पाकिस्तान के शायर है। जहाँ को आफात ना आफात को जहाँ छोड़ती है, मुझको भी तेरी अब उम्मीद कहाँ छोड़ती है, उम्मीद कहाँ छोड़ती है। मैं तुझे छोड़ के आया हूँ उसी हौसले से, वो के जिस हौसले से जिस्म को जहाँ छोड़ती है, वो के जिस हौसले से जिस्म को जा छोड़ती है। और आओ देखो मेरे चेहरे के कदो खाल को, अब मान जाओ कि मोहब्बत भी निशान छोड़ती है। सबसे अच्छा शेर इस गजल का, अगर आपने पसंद किया तो मैं समझूंगा कि वही माजरोना है जो दो साल पहले आया था। देखा है हमारे सरजी से तो जो चाहूंगा, देखा है उसने सजते हुए, देखा है उसने सजते हुए मेरे यार को, देखा है उसने सजते हुए मेरे यार को, देखा है उसने सजते हुए मेरे यार को, देखा है उसने सजते हुए मेरे यार को। कुछ तो कुदरत ने भी उनका हुस्न कातिल कर दिया, कुछ तो कुदरत ने भी उनका हुस्न कातिल कर दिया, एक तो गोरा रंग उस पे तिल भी शामिल कर दिया, एक तो गोरा रंग उस पे तिल भी शामिल कर दिया। जानते थे इश्क धोखा है मगर क्या कीजिए, अक्ल ने तालीम दी और दिल ने जाहिल कर दिया। देखा है उसने सजते हुए मेरे यार को, देखा है उसने सजते हुए मेरे यार को, देखा है उसने सजते हुए मेरे यार को।
लाया कर्ज माँ के दूध का है जीते जी तो क्या, वो कर्ज माँ के दूध का है जीते जी तो क्या, मर भी गए रजा तो मर भी गए रजा को चुकाया न जाए। समेटू हाथ तो बेटे की बीमारी का क्या होगा, समेटू हाथ तो बेटे की बीमारी का क्या होगा, और अगर जो हाथ फैलाऊं तो खुददारी का क्या होगा। समेटू हाथ तो बेटे की बीमारी का क्या होगा, अगर जो हाथ फैलाऊं तो खुददारी का क्या होगा। चलो मैं अपनी खातिर कोई मस्जिद ढूंढ भी लूंगा, मगर जो घर में माँ है उसकी अफतारी का क्या होगा। सादिक भोपाली ने मतलब मक्ते में कहा है, पूरा कभी ना होगा ऐ सादिक गजल का शेर, कभी ना होगा ऐसा दिन गजल का शेर। जब तक उसे ख्याल में, जब तक उसे ख्याल में लाया